दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस यानी भारतीय अनुसंधान पद्धति के आधार पर और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको विश्लेषण प्रदान करता है। दोस्तों हमारा प्रयास ये रहता है कि भारत की जो सदियों पुरानी अनुसंधान पद्धति थी उसको पुनर्जीवित किया जाए, जो कि विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमलों से लुप्त हो गई थी। और दोस्तों हमें बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस का जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है, जिसका लगातार हम आपको नमूना देते हैं। दोस्तों शाम के समाचारों में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंडे टू फ्राइडे हमारा प्रयास रहता है कि शाम के समाचारों में आपको दिन की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराया जाए। दोस्तों आज सबसे पहले हम खबर निकाल के लाए हैं कि कॉटन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। स्पिनिंग मिलों की यानी कताई मिलों की डिमांड मजबूत होने के कारण दोपहर के बाद भारतीय बाजारों में कपास के दाम तेज हो गए हैं। स्पिनिंग मिल की मांग के डिमांड के कारण सोमवार को दोपहर के बाद भारत में उत्तर भारत के राज्यों में साथ साथ कॉटन गुजरात की कॉटन बाजार में दाम मजबूत हो गए हैं। गुजरात में अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म के कॉटन के भाव 350 रुपए तेज होकर 58,300 से 58,500 रुपए प्रति कैंडी के भाव बताए जा रहे हैं और एक कैंडी लगभग 356 किलो की होती है। दोस्तों पंजाब में भी रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव 5,950 से बढ़कर 6,050 बताए जा रहे हैं। साथ साथ हरियाणा में भी रुई के भाव में डिलीवरी के दाम 5,750 से बढ़कर 5,850 प्रति मन बताए गए हैं और ऊपरी राजस्थान यानी अपर राजस्थान में भी रुई के हाजिर डिलीवरी के दाम 6,050 से बढ़कर 6,150 रुपए प्रति मन बताए गए हैं। खैरतल लाइन में भी कॉटन के दाम 5,900 से 5,975 रुपए प्रति मन बताए जा रहे हैं। साथ साथ उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में मौसम खराब होने के समाचार मिल रहे हैं। देशभर की मंडियों में कपास की आवक 22,500 बेल्स की रही और एक बेल्स 170 किलो की बताई जाती है। एमसीएस के साथ ही एनसीडीएक्स पर भी आज शाम को कॉटन की में तेजी का रुख बना रहा। आईसीई यानी अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में तेजी दर्ज हुई और घरेलू बाजार में भी स्पिनिंग मिलों की खरीद बढ़ने से दाम मजबूत दिखाई दिए। दोस्तों आपको याद होगा कि जुलाई महीने के द्वितीय सप्ताह के बाद के आसपास हमने आपको अग्रिम विश्लेषण भी दिया था, इसमें तेजी नजर आ रही है, वैसे ही कुछ देखने को मिला। दोस्तों खबर ये भी है कि के प्रमुख उत्पादक राज्यों में कपास का बकाया स्टॉक पिछले साल के मुकाबले अधिक है और इसलिए अभी भी कपास की आवक लगातार बनी हुई है। जिनिंग मिलों को भी कॉटन के मौजूदा भाव पर डिस्पैरिटी लग रही है क्योंकि हाल में ही बिनौला के दाम कमजोर हुए हैं क्योंकि इसलिए नीचे दामों पर जिनर्स कॉटन की बिकवाली कम कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 28 जुलाई तक कपास की बुआई 116.75 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल इस समय इसकी बुआई 117.91 लाख हेक्टेयर में हुई थी, यानी 117.19 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 116.75 लाख हेक्टेयर में हुई है। दोस्तों उद्योग ने चालू सीजन में 2022-23 में कॉटन के उत्पादन का अनुमान 12.83 लाख गांठ की बढ़ोतरी की है और उद्योग द्वारा जारी उत्पादन अनुमान के अनुसार चालू सीजन में कुल 311.18 लाख गांठ और कॉटन का उत्पादन अनुमान है, जबकि मई में ये 298.35 लाख गांठ का अनुमान लगाया गया था। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रमुख सरकारी एजेंसियां अपने कॉटन के अनुमान को लगातार रिवाइज यानी परिवर्तन करती हैं और 5 से 6 बार अक्सर साल के अंदर ये देखने को मिलता है। इससे जिनर्स मिलर्स कपास के किसान काफी असमंजस में रहते हैं क्योंकि ये हर 2 महीने के अंदर एक नया आंकड़ा सामने आ जाता है। दोस्तों ग्राहकी कमजोर होने से कपास खली की कीमतें आज सोमवार को नरम हो गई है और राजकोट में कपास खली के दाम 1250 से 1260 रुपए प्रति 50 किलो पर स्थिर बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये था कपास के ऊपर बात। अब हम चर्चा करेंगे आपको मसालों में धनिया और जीरे की बात और बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों नमस्कार, तिलन दलहन मसाला कपास गवार सीड सोना चांदी मेटल इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन सरसों पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है,
tushar.globalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tushar.globalservices.com। दोस्तों, मसाले में आज पूरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। शुरुआती दौर के अंदर मसालों में जीरे और धनिये में गिरावट का रुख था, हल्दी में सुपर तेजी का रुख था। लेकिन जैसे जैसे कारोबारी बढ़ता गया, जीरे के अंदर जो गिरावट थी वो तेजी में बदल गई और साथ साथ धनिये के अंदर भी तेजी, यानी ग्रीन के अंदर वायदा बाजार बंद हो रहा है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण ये बात थी कि पिछले कई दिनों से जीरे की प्रमुख मंडी हुजा में स्ट्राइक थी, व्यापारी और प्रशासन के बीच में कुछ विवाद था, लेकिन वो विवाद सुलझ गया है और इसका पूरा एपिसोड भी हमने आपको अपने चैनल पे अपलोड किया है। आज कई दिनों के बाद सोमवार को यानी आज ये ऊझा जीरा मंडी के अंदर काम का शुरुआत हो गई है। दोस्तों, यदि हम बात करें जीरे के भाव में, निर्यातकों की मांग कमजोर बनी हुई है और डिमांड कम होने के कारण जीरे के अंदर लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन स्टॉकिस्ट और किसानों द्वारा बिकवाली न करने से भाव गिर के वापस संभल जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी अब बहुत कम अवेलेबल है। एक और लगभग 95 से 96% माल किसानों के हाथ से निकल चुका है और अब जो बाकी जो माल बचा है वो मजबूत किसान या फिर मजबूत व्यापारियों के हाथ में है, जो अपने मनमर्जी से अभावों का निर्धारण करने में सक्षम हो रहे हैं। गौरतलब है कि जीरे की नई फसल फरवरी और मार्च में आएगी और अभी पूरा समय बाकी है और सर्दियों का सीजन भी बाकी है। इसको देखते हुए जीरे के अंदर जो इतनी जबरदस्त तेजी के बाद में भी माल अवेलेबल कम हो रहा है, लेकिन इसमें एक और ध्यान देने वाली ये बात भी है कि अगले 2-3 महीने निर्यात जितने होने की उम्मीद थी बाकी महीनों में थी, उतना निर्यात शायद अब अगले 1-2 महीने में ना हो, क्योंकि चीन का जीरा बाजारों में उपलब्ध है और दूसरा चीन की जीरे की फसल अच्छी बताई जा रही है। अतः चीन की डिमांड संभवतः जीरे की अगले 1-2 महीने में नहीं उपलब्ध हो। तो अब देखना यह है कि जीरे के अंदर क्या होगा। गौरतलब है कि हमने आपको जीरे के अंदर तेजी या मंदी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हो रहा है। तो दोस्तों, अगस्त का महीना, गौरतलब है आज 31 जुलाई है, आज कारोबारी जुलाई मंथ का अंतिम कारोबारी सीजन है, दिन है रादर। अगस्त का महीना जीरे के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का, या ऊपरी स्तर पर कर लेना चाहिए मुनाफा, या 50% तक मुनाफा वसूल करना चाहिए या नहीं, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि मंडियों में बेस्ट क्वालिटी जीरे की शॉर्टेज है और आज कई मंडियों में आवक और व्यापार सामान्य बताए जा रहे हैं। जीरे के भावों में आज उतार चढ़ाव रहा, शुरुआती दौर में कमजोर था, लेकिन उसके बाद जीरे के भाव में सुधार भी देखा गया। पिछले हफ्ते सूजा मंडी 3 दिन के लिए हड़ताल के कारण बंद रही थी, लेकिन आज मंडी खुलने पर आवक बढ़ने का अंदाज था, लेकिन आवक सामान्य ही रही। दूसरी ओर मांग में भी कमजोरी दर्ज हुई। दोस्तों, यदि हम ट्रेडर्स की बात माने हैं तो ऊंचा मंडी में आज 2000 से 2500 बोरी की आवक हुई और रफ क्वालिटी जीरे का भाव 11000 से 11100 रुपए प्रति 20 किलो यानी प्रति मन के भाव देखे गए। बेस्ट क्वालिटी का भाव 11600 से 11900 और बॉम्बे बोल्ड क्वालिटी का भाव 12300 से 12500 रुपए बताया गया। गोंडल मंडी में आज 39 क्विंटल की आवक हुई और भाव 10801 से 11476 रुपए प्रति 20 किलोग्राम के भाव बताए गए। तो दोस्तों, ये थी जीरे पे खबर। अब धनिये के ऊपर हम आपके ऊपर बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गुजरात के प्रमुख सेंटर्स में धनिये की आवक अच्छी रहने के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी माल की आवक की कमी बताई जा रही है। इसमें डिमांड कम होने से धनिये के भाव में 20-25 रुपए प्रति 20 किलो की गिरावट भी दर्ज हुई है। इसके अलावा अभी निर्यात में कोई खास खबर निकल के नहीं आई है और वायदे बाजार में भी उतार चढ़ाव रहा। यदि हम व्यापारियों की बात माने तो जूनागढ़ सेंटर में धनिये का सबसे अधिक उपयोग धनिया दाल बनाने में होता है, लेकिन इन दिनों इसकी डिमांड कोई खास नहीं बताई जा रही है।
बता दें कि गोल्डन मंडी में आज रात को धनिया की आवक होगी, इसलिए गोल्डन मंडी को छोड़कर आज गुजरात में लगभग 10,000 से 12,000 बोरी धनिया की आवक हुई। एक बोरी 40 किलो की मानी जाती है। जूनागढ़ से मैं बात करें तो 1450 क्विंटल की आवक है और भाव 1300 से 1598 रुपए प्रति पीस 20 ग्राम है। और राजकोट मंडी में 510 क्विंटल धनिया की आवक के समाचार है, भाव 1320 से 1611 रुपए प्रति 20 किलोग्राम है। जाम जोधपुर मंडी में 280 क्विंटल की आवक के समाचार है और न्यूनतम भाव 1300 रुपए, उच्चतम भाव 1570 रुपए और औसत कीमत 1440 के भाव है। तो दोस्तों ये था जीरा धनिया के ऊपर आज का अपडेट। अब एक महत्वपूर्ण खबर गवार सीड को लेके। दोस्तों गवार सीड ने आज फिर व्यापारी और किसानों को चकमा दिया। शुरुआती दौर में एनसीडीएक्स के वायदा बाजार के अंदर एनसीडी की गवार के अंदर जबरदस्त गिरावट देखी गई, लेकिन शाम होते होते सारी गिरावट रिकवरी में बदल गई और मामूली गिरावट के ऊपर बाजार बंद हुआ। दोस्तों गवार सीड जो कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और कुछ मध्य प्रदेश के किसान एवं व्यापारियों के लिए काफी रुचिकर कमोडिटी है और इसके अंदर काफी रुचि किसान और व्यापारी लेते हैं। गौरतलब है कि गवार सीड के अंदर किसान के लिए अधिक रुचि इसलिए रहती है क्योंकि वैरानी इलाके में गवार की पैदावार अधिक होती है और साथ साथ भारत और पाकिस्तान के अंदर इसकी मुख्यतः पैदावार होती है। लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा गवार सीड का उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और गवार सीड, गवार गम के एक्सपोर्ट पर भारत का एकाधिकार माना जाता है और भारत के ही गवार सीड के भाव का पूरा विश्व, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई दूसरा देश हो, वो तमाम लोग भारत के ऊपर ही इसकी निगाह रखते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में इस बार गवार सीड की पैदावार 20% बिजाई कम होने के भी समाचार हैं, क्योंकि विपर्जय तो चक्रवर्ती तूफान के वजह से पश्चिमी राजस्थान के अंदर शारदार बरसात होने की वजह से किसानों ने मूंग और दूसरी फसलों में ज्यादा रुचि ली। लेकिन प्रश्न एक ये भी उठता है कि गवार सीड की का उत्पादन अधिकतर उन इलाकों में होता है जहां पर दूसरी फसलें मुश्किल से होती हैं। तो अब अगस्त महीने के ऊपर हम सबकी नजर है कि कितनी बरसात और होगी क्या, और अच्छी बरसात होने से गवार की यील्ड यानी उपज पर हेक्टर अच्छी निकलेगी। इसके आंकड़े भी जल्द ही आप तक हम शेयर करेंगे जैसे ही ये डिक्लेयर होंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब गवार सीड का गेम एक दिलचस्प होता जा रहा है। अमूनन गवार सीड की उपज और फसल सितंबर महीने में हर साल आती है। तो देखना ये होगा दोस्तों कि अब इस दिलचस्प दौर के अंदर गवार सीड के अंदर क्या बन सकता है। गौरतलब है कि हमने आपको जब भी गवार सीड के ऊपर तेजी या मंदी का विश्लेषण दिया है वो अक्सर सही साबित हुआ है। हमारे पिछले लगभग 15-20 दिन पहले के भी आप अपडेट देखें, हमने गवार सीड में अच्छी तेजी की बात कही थी जो कि सत्य साबित हुई है। दोस्तों आगे आने वाले 1 से 1.5 महीना गवार सीड के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। क्या इसमें तेजी होगी या फिर मंदी, विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अनाज के अंदर गेहूं, मक्का, बाजरा और चावल ये अब एक निर्णायक दौर पर पहुंच गए हैं। मक्का के अंदर अच्छी तेजी दर्ज हुई है पिछले 1.5 महीने में, बाजरे के अंदर भी काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है। आने वाले समय के अंदर इस मोटे अनाज के अंदर क्या हो सकता है, आप हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहिए। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी हैं, लाभकारी हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि नहीं लाभकारी हैं तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यदि पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी पुश कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे आपका भविष्य पल, बिल्कुल कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमय विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई, लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने,
और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों, आपके भविष्यफल, अक्सर कहा जाता है कि भविष्यफल की आवश्यकता क्या है, यदि जो किस्मत में लिखा है यदि वो होना है तो फिर करना क्या है, और जो किस्मत में नहीं लिखा है वो नहीं प्राप्त होगा तो उसके लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, ये अक्सर एक सवाल पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारा यही कहना है, यदि आप किसी अनजान शहर में जा रहे हो और यदि आपके पास मैप है जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस से आपको दूरी और बताया जाता है तो आपकी यात्रा सुगम हो जाती है। यदि आपका रेलवे टाइम टेबल आपके पास है तो ट्रेन की आवागमन की आपको सूचना है तो सही समय पर आप प्लेटफॉर्म जाते हैं। यदि आप बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो आपको समय का सही पता है, कौन सी फ्लाइट कब कितने बजे जाती है, तो आपको यात्रा सुगम हो जाती है। उसी तरह से भारतीय ज्योतिष में हॉरोस्कोप यानी जन्म पत्रिका को एक मैप का दर्जा दिया गया है, यानी नक्शे का, जो आपको बताती है कि कहां पर आपको परेशानी है और कहां पर आपका बढ़िया रन है। यदि आप इसको देख के काम करते हैं, कुछ सकते हैं, तो आपको काफी कुछ हद तक मदद मिल जाती है। इस प्रकार आप गूगल मैप पर देख के गंतव्य स्थल पर अधिक जल्दी पहुंच जाते हैं और टाइम डिस्टेंस का अनुमान सही लगा लेते हैं। यही काम हॉरोस्कोप करती है। दोस्तों, अक्सर देखा होगा आपने कि एक ही बाजार के अंदर एक ही तरह का सामान बेचने वाली मंडियों में कई दुकान होती है। सब अनाज बेच रहे होते हैं, भाव लगभग समान सा होता है, लेकिन किसी की दुकान बहुत बढ़िया चलती है, किसी की दुकान इतनी नहीं चल पाती है। कुछ लोग देखते देखते 10-20 साल में कहां के कहां पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों? ये आपका ग्रहों का खेल है। मेरा अनुभव रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रह ऐसे होते हैं जो यदि सही समय पर उनका इस्तेमाल किया जाए, यानी भाग्य और कर्म, ये एक और एक 11 होते हैं। यदि दोनों का आपस में संबंध मिले तो ऐसे व्यक्ति कुछ भी करने को सक्षम हो जाते हैं। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने गरीब हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन से गांव कस्बे में छोटी सी में है या बड़े से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूरज को रोकने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ऐसी कौन चर्चाएं हम करते करेंगे कि हॉरोस्कोप के अंदर 10वां भाव और 11वां भाव, 9वां भाव, 9, 10 और 11, ये तीन भाव जो हैं जन्म पत्रिका के सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, भाव सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन 9, 10 और 11 यानी नवम, दशम और एकादश भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यदि आपस में इनका संबंध बन रहा है, इनके अंदर आपके शुभ ग्रह या ग्रहों का आपसी एक्सचेंज हो रहा है या इस कहीं दृष्टि संबंध बन रहा है, तो निश्चित माने ऐसे व्यक्तियों की राह सुगम हो जाती है। वो अनुमान पहले से लगा लेते हैं, थोड़ा सा इशारा आप उनको दे दो, बाकी चीज वो खुद बना लेते हैं, बस उनको इशारे की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज हम ले रहे हैं श्री एस के अग्रवाल साहब का, मेरठ से हैं ये। इनकी जन्म तारीख इन्होंने 14 अप्रैल 1949 बताई है और इन्होंने बाकी डिटेल भी पूछी है। तो अग्रवाल साहब, आपका जन्म, आपकी जन्म पत्रिका बहुत मजबूत हर इसको आपके रूप में मैं कह सकता हूँ। आपके लिए जिंदगी का महत्वपूर्ण ईयर जो रहा होगा वो 1971 रहा होगा, और उसके बाद 1978 और उसके बाद 1988 और उसके बाद 2000, ये आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल रहे होंगे। आप यदि व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो इन सालों के अंदर आपने निश्चित रूप से, आपकी जन्म पत्रिका यदि सही है तो आपने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए होंगे। और लेकिन वर्तमान समय पिछले लगभग 3 सालों से आपको परेशानियाँ झेल रहे हैं, और चाहे उसमें व्यापारिक मतभेद कह लीजिए या यदि आपका कोई पार्टनर है तो उसके साथ मतभेद हो रहे हैं, ये अभी आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, 6-7 महीने का
अभी विकट समय और है और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपकी जो पटरी गाड़ी पटरी से उतरी हुई है वो दोबारा पटरी पे आ सकती है। धैर्य रखना है, मजबूती से आपको कदम जमाना है, जो आपकी ताकत है। आप बिल्कुल घबराते नहीं हैं, बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली हैं, दिमाग से बहुत मजबूत हैं, धार्मिक हैं, बिल्कुल अच्छे से साथ मैंने आपको और इंतजार करना है और मजबूती से जमे रहना है। दूसरी हॉरोस्कोप मैं ले रहा हूँ, ये 1995 की जन्म पत्रिका है, ये श्री वी के जैन साहब ने अपने सपुत्र की भेजी है और उन्होंने कहा है कि आप इनके कैरियर के बारे में यदि कुछ बता सके तो बहुत मेहरबानी होगी। जैन साहब बिल्कुल बताएंगे और मेरा ये पसंदीदा सब्जेक्ट भी है क्योंकि आने वाला फ्यूचर इन नौजवानों का है, भारत का भविष्य इन नौजवानों के लिए के पास है और इनको यदि हम सही समय पे सही गाइड कर देते हैं तो निश्चित रूप से इसका देश का भी भविष्य इससे उज्जवल होता है। तो 1995 का जो आपने जन्म दिया है सितंबर का 28 तारीख का, तो बहुत शानदार आपकी जन्म पत्रिका है। आप निश्चित रूप से देश और विदेश में आप नाम कमाने में सक्षम हैं और आप कमाएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार आपको आपका लक्ष्य धूमिल नजर आने लगता है, आप दूसरों की तरफ अधिक निर्भर हो जाते हैं और स्वयं का निर्णय नहीं ले पाते हैं और यही एक महत्वपूर्ण होता है। आप अपना गोल निश्चित करिए, आप क्या आपको चाहिए उसके ऊपर आप फोकस करिए और उसके बाद में आप उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि हर जगह हर चीज मिलना लगभग नामुमकिन होता है क्योंकि ऐसा बिरले ही प्राप्त करते हैं। आपका लक्ष्य आपका जो है व्यापार का, व्यवसाय का या नौकरी जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर अपना पहले आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस लक्ष्य को के आधार पर ही आप अपना मेरिट चूज कीजिए और उसके बाद बाकी कुछ चीजों को आप गौन करिए। आप चाहते हैं कि सारी चीजें आपको मिल जाए, हर चीज आपको मिल जाए, वो आपके लक्ष्य को बाधित कर देगी और ऐसा होगा कि आप सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यही मेरा कहना है कि आप यदि कंप्यूटर इंजीनियर हैं या फिर व्यवसायी हैं, बिल्कुल आप डटे रहिए, आने वाले 1 से 1.5 साल आपके लिए बिल्कुल निर्णायक साबित होने वाला है, बहुत शानदार है। आप फोकस होइए, जब तक आप फोकस नहीं होंगे, अपनी प्रायोरिटी फिक्स नहीं करेंगे, आप लक्ष्य भटक जाएंगे, यही मेरा आपको कहना है। विशेष ख्याल रखिए, जैन साहब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फोकस हो जाएंगे तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इनका कैरियर बहुत ब्राइट है, आप निश्चित रूप से ये आपका और देश का नाम रोशन करने की इनमें क्षमताएं हैं। तो दोस्तों समय समाप्त हो रहा है और आप भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपका शहर का नाम, अपना नाम लिखिए, हम आपका भी नाम लॉटरी से निकालेंगे। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमें हर रोज करीबन 80 से 100 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस मिलते हैं, सभी का हम एक दिन में नहीं ले पाते हैं। हर रोज नया जो भी व्हाट्सएप आते हैं उसमें हम लॉटरी निकालते हैं, 2 या 3 लोगों का हम भविष्य कथन करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।